हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज घर का काम लगभग मैंने सारा ख़त्म कर लिया है। आज लेके चल रही हूँ मैं आपको एक स्पेशल जगह जो मेरे फेवरेट है, वहाँ लेके चलती हूँ। फिर जो मैंने गिरिराज जी के गई थी, जो क्या क्या ख़रीदा मैंने वहाँ पे, वो दिखाऊंगी। और कल हम गए थे अलवर डॉक्टर को दिखाने, तो मैं अपनी बेटी को भी साथ लेके गई थी, तो उसने कुछ कपड़े खरीदे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। पहले चलते हैं किचन गार्डन में, जो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो दिखाती हूँ कैसी क्या क्या उगा रखा है मैंने। प्योर ऑर्गेनिक सब्जियां उगा रखी हैं, जिसमें बिना कोई खाद के, बिना कोई दवाई, बिना केमिकल के सब्जियां उगाती हूँ। तो देखते हैं, और वहाँ से भी मेथी भी तोड़ के लेके आएंगे, जिससे मेथी के पराठे बनाएंगे। चलिए तो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा किचन गार्डन, जो मेरे घर के पास ही है। और इसमें मैंने लगभग सर्दियों की सारी सब्जियां लगा रखी हैं, ग्रीन वेजिटेबल सारी हैं, जो पूरी सर्दियों मेरे यहाँ सब्जी का काम चलेगा। इसमें इस टाइम मैं मेथी काट रही हूँ। आधी क्यारी तो कल मैंने अपने भाई भाभी आए थे, दिल्ली जा रहे थे, तो उनको काट के दे दी है। और आधी अब ये बची है जो मैं काट लूँगी, और इसके बनाऊँगी मेथी के पराँठे। इस क्यारी में ना मेरा कई अब मैंने काट लिया, ये दोबारा फूट जाएगी। बार बार बनाती रहूंगी, और फिर मन करेगा तब इसमें से सारी कैरी को काट के और उन पत्तों से कसूरी मेथी बना लूंगी। तो ये मेरे बहुत काम की चीज़ है। पिछले साल तो मैंने इतनी कसूरी मेथी बना ली थी कि अब तक भी चल रही है मेरी वो, और चलेगी कम से कम 2-3 महीने, इतने ये इसकी तैयार हो जाएगी। तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां पैदा करती हूँ, इसमें कोई दवाई केमिकल नहीं डालती मैं। और साइड में ये लहसुन लगा रखा है मैंने, पालक है, मेथी है, धनिया है, सारी सब्जियां लगा रखी है। ऊपर ऊपर से मैं इनको काट रही हूँ, ताकि फिर ये फूट जाए, दोबारा से हरे हो जाएंगी। चलिए मैं आपको अपना किचन गार्डन दिखाती हूँ। ये है क्यारी चने की, ये पूरी क्यारी चने की है। और इधर मैंने डोलियों पर लगा रखी मूली, और इसमें है मेथी, जो मैंने आधी तो काट के अपने भाई को दे दी, और आधी अब मैंने थोड़ी सी काट ली अपने लिए, जिससे मैं बनाऊंगी मेथी के पराठे। और इसमें पालक और धनिया है, खरपतवार ज़्यादा हो रही है, इसको मैं सही करूंगी एक दिन। और इधर है लहसुन, और ये है चुकंदर, और साइड में मूली लगा रखी है, और उसके थोड़ी भी भिंडी भी लगा रखी है, नींबू के पेड़ हैं। इधर है पालक, और ये इधर लगा रखा है गजरा, गाजर के लिए, और गजरा साग के लिए भी काम आ जाएगा। ये पपीता है, और इधर ये मेरे दो नींबू हैं जो बड़े बड़े, इसमें बहुत मोटे नींबू आते हैं। तो ये है मेरे किचन गार्डन। और साइड में ये मैंने टमाटर लगा रखे हैं, ये पौध मैंने घर ही तैयार करी थी, अब इसमें टमाटर भी आने लग गए। ये देखिए, ये बड़े हो गए, धीरे धीरे आने लग गए। तो ये है मेरा किचन गार्डन। ये चलते हैं अब घर, जिसमें नींबू का अचार डालेंगे और कपड़े दिखाऊंगे आपको। और साइडों में ना मैंने ये देखिए हरी मिर्च की पौध भी लगा रखी, ये भी मैंने घर पर ही तैयार की थी। और ये चुकंदर भारी लग गए थे, इसलिए मैंने ये उपाड़ उपाड़ के साइडों में लगा दी, यहीं बड़े हो जाएंगे। उस टाइम मेरे को पता नहीं चला, पालक और वो क्या बोलते हैं चुकंदर का ना बीज एक जैसा था। ये देखिए, उस टाइम पालक एक जैसे बीज थे, तो मैंने डाल दिया, रंग थोड़ा सा कलरफुल था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, एक जैसे ही थे, फिर मैंने इसमें डाल दिया, वो भारी हो गई। फिर मैंने सोचा पालक उग जाएगी, लेकिन ये भारी होगी, फिर उखाड़ उखाड़ के मैंने डोली पे लगा दिए। और इधर साइड में लगा रखे मैंने फूलों के पौधे, ये देखिए, और मटर लगा रखे हैं।
ये इतने नींबू हमारे गांव से आए हैं, मम्मी ने भेजे थे, तो मैंने सोचा चलो ये वैसे रखे रखे तो ख़राब हो जाएंगे, तो इस इनका अचार ही डाल लूँ। तो धो के इनको सुखा दूँगी, जब इनका पानी बिल्कुल सूख जाएगा तो इसके अचार डालूँगी मैं, उसमें रख लूँगी, कुछ भाई भाभी के पास पहुँचा दूँगी। वो आए थे ना भैया दूज के दिन, उसी दिन लेके आए थे। और हाँ एक चीज़ दिखाना तो मैं भूल गई, भैया दूज के दिन वो आए थे तो ये मेरे लिए एक सूट लेके आए थे, वो नहीं दिखाया, फिर कभी दिखाऊंगी आपको। और मैंने भी अपने लिए 3-4 जोड़ी खरीदे हैं, वो सिल के आ जाते हैं, फिर एक साथ ही दिखाऊंगी आप लोगों को। बस इनको धो के सुखा दूंगी और फिर आप लोगों को वो कपड़े दिखाऊंगी जो मैंने अलवर से खरीदे हैं बेटी के लिए। सारे नींबू मैंने धो दिए हैं, अब इनको ना एक साफ कपड़े पे सुखा दूंगी, धूप में नहीं सुखाऊंगी, छाया में सुखाऊंगी, तो ये धीरे धीरे यहाँ रखे रखे सूख जाएंगे। जब इनका पानी बिल्कुल सूख जाएगा उसके बाद मैं इनका अचार डालूंगी। इसमें से कुछ तो खराब निकलेंगे, कुछ अच्छे अच्छे जो अच्छे हैं उन्हीं का अचार डालूंगी, बाकी को तो मैं ऐसे रहने दूंगी। उस पेड़ के लगे लगे ही आपस में भिड़के ना टहनियाँ, तो वो हो जाती हैं, चित्ते लग जाते हैं, जो साफ होंगे बस उन्हीं का अचार डालूंगी। वो दिखाती हूँ जो उनके राज्य के गए तो क्या क्या लेके आए वहाँ पे। एक तो ये धूप में, एक तो ये लेके आए, तो और क्या लेके आते मंदिर में, बस गए तो बस यही चीजें मिलती है वहां पर। और ये लेके आए अश्वगंध चंदन, ये भी चंदन है और ये भी चंदन है, ये लाल चंदन है, ये नारंगी कलर का चंदन है, और एक ये लेके आए पीले रंग का चंदन ठाकुर जी के लिए। तो ये सामान तो लेके आई मैं गिरिराज जी के गए तब, ये सामान तो हो गया उसका। अच्छा अब कल मैं क्या क्या लेके आई, एक दो कंबल लेके आई थी, एक तो मैंने दे दिया अपनी बहन को की लड़की को, गंगानगर जा रही थी तो उसको दे दिया, और एक ये कंबल। कंबल क्या, ये बेड शीट है बेड पे बिछाने के लिए ना, तो वैसे तो अगर बेड शीट लेंगे तो वो 1000-1200 की आएगी, फिर मैंने सोचा कि बेड शीट पे क्यों खर्च करूं, 300 रुपए में ये आ गई थी, तो बेड शीट के ऊपर ये बिछा दूंगी, बेड शीट का काम करेगी, गर्म भी रहेगी, इसलिए ये खरीदी मैंने एक तो ये। अच्छा और ये खोली रजाई के लिए, रजाइयों के लिए ये खोली खरीदी है वहां से, ये भी 250 के करीब पड़ी है ये भी। अच्छा इसमें भी ये दो और है, ऐसे 3 खरीदी है मैंने। और अब दिखाऊं आपको, ये मेरी बेटी के लिए मैंने जैकेट खरीदी है घर के लिए, उसकी जैकेट ना बिल्कुल खराब हो गई थी तो ये जैकेट खरीदी है। अच्छा कलर है ना, पीच कलर। अच्छा एक जैकेट तो ये, और एक ये क्रीम कलर नेक तक ऐसे ही कलर का, उसको सूट सिलवाना है एक, तो सेम मैचिंग हो जाएगी, अच्छी लगेगी। एक इनकी रेट नहीं देखी मैंने कितने कितने की आई है, वो पर्ची में लिखा हुआ है मैंने ध्यान नहीं दिया। और ये इसके लिए एक जींस लेके आए बेटी के लिए, कल वो ही मेरे साथ गई थी तो उसी के लिए सारे कपड़े खरीदे हैं, वो अपनी पसंद के लेके आई है। जींस नहीं थी उसके पास, वैसी पैंट थी वो छोटी हो गई थी, तो सोचा चल टॉप कई रखे हैं तो एक जींस मन का चल लेके चलते हैं। और एक ये ब्लैक कलर की जैकेट, ये जैकेट उसके कॉलेज में ब्लैक ही चलेगी, तो उसने कहा मम्मी मेरे को ये ब्लैक लेनी है, रखी है ये देखिए अंदर से गर्म है। एक और दिखा देते हैं आपको, एक ये लेके आई है, कल उसने सारा सामान अपना ही खरीदा है, कल गई तो उसने पूरी शॉपिंग काट दी, तेरा पजामा पकड़ा है बेटा, ये सारी बेटी के लिए अभी आ रही। और बेटे के लिए सिर्फ दो और खरीदे,
कर दे, पकड़ा ना बेटा, ये तो हो गया बेटी के लिए, और बेटे के लिए लेके आए दो लोअर और नींबू धो के सुखा दिए हैं, और उनको थोड़ा पानी सूख जाएगा तब उनके अचार डालूंगी, और शाम को लोकल बनेगा मेथी के पराठे। लो ले ना तेरा, पकड़ा बेटा, देख सोफा में होएगा, मैं लेके आती हूँ, इसको नहीं पता चलेगा, ये ले हाला। एक एक लोअर और है, इसने पहन के देखा था साइज सही है कि नहीं है, एक लोअर ये है, एक और है, करती दूसरा पकड़ा, ये देखिए ऐसा इसका, ये तो ऐसे कलर का है, एक डार्क ग्रीन है, पकड़ा करती तू, और ये है एक, उसके पास ब्लैक रंग का है, और दो ये हो गए, सर्दियों में बहुत है, गर्म है ये, गर्म रहेंगे। और एक चीज और दिखाती हूँ आपको, पास आके ना थोड़ा सा, ये देखो मेरे कान खाली हो गए, मैं जब कान के पहन के गई थी ना डॉक्टर के पास, तो उसने सिटी स्कैन के लिए बोला था, तो उस सिटी स्कैन के लिए गए तो उन्होंने कहा कि भाई अपने कान के निकाल दो, तो कान के निकाले, उस टाइम क्या हो गया, ये देखिए दिख रहे, एक तो ये साबुत है और दूसरा ये टूट गए, दो टुकड़े हो गए, ये देखिए दो टुकड़े हो गए, एक साबुत है, इसका ये टूट गया। अब क्या है कि मेरे ये कान ना, इसके छेद बहुत चौड़े हैं, तो मैं भारी नहीं पहनती, भारी तो कोई जोड़ी है लेकिन पहनती नहीं हूँ, क्योंकि पहले से इतना छेद इतना चौड़ा हो गया, तो हल्के हल्के बनवाए थे, तो ये टूट गया, अब दूसरे बनवाने पड़ेंगे, अब दो चार दिन के लिए तो भारी पहनने पड़ेंगे, बहुत दिख नहीं रहा, बहुत ज्यादा चौड़े छेद है, ये देखिए कितने चौड़े, बहुत ज्यादा है, कपड़े देख लिए, अब नींबू का अचार डालेंगे, देखती हूँ आज डालूंगी या कल डालूंगी। और आज का ब्लॉग अब यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि अचार तो कल डलेगा शायद, या फिर रात को डलेगा, और मैंने आज आपको अपना गार्डन दिखाया था ना, वो प्योर ऑर्गेनिक है, इसमें मैं कोई खाद कोई कुछ भी नहीं मिलाती, और ये एक महीने में इतना बड़ी हो गई इसमें सब्जियां, तो इतनी सब्जियां मतलब सेहत का खजाना लगा रखा है मैंने इसमें, गाजर मूली चुकंदर सौंफ टमाटर पालक मेथी धनिया सारी चीजें लगा रखी है, और बथुआ तो ओड पास में हो ही जाता है, मूली भी लगा रखी है, अब अगेती मूली तो वो 10-15 दिन में खाने वाली हो जाएंगी, और अब मैं क्या करूंगी कि और जो जगह खाली है ना उनकी डोलियों की, वहां पर और बीज लगा दूंगी, तो पछेती मूली भी हो जाएंगी, ये खत्म होंगी तो दूसरी तैयार हो जाएंगी, तो सारी सब्जियां अधिकतर मैं कोशिश करती हूँ कि अपने घर में लगाऊं, बाजार से मैं बहुत कम लेके आती हूँ, मेरे को पसंद नहीं है, और जब पहले तो हम बाजार का ही लेके आते थे, लेकिन अब जैसे अब खुद करने लग गई हूँ, तो मेरे को बाजार का कुछ भी खरीदना अच्छा नहीं लगता, ऐसा मन करता है बस अपने घर में ही लगा लूं, जितना हो सके अपने घर में ही चीजें, मार्केट का तो मैं बहुत कम कोशिश करती हूँ, क्योंकि हर चीज में दवाई मिलावट हर चीज आती है, तो मैंने सोचा चल जगह है तो अपना गार्डन तो घर में ही लगा सकते हैं, तो मैंने किचन गार्डन लगा लिया, पेड़ पौधों को आपको दिखाई दिया था, और छोटे पौधे अभी छोटे ही हैं, उनके फूल आएंगे जब दिखाऊंगी आपको, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, और अचार की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी, तो कृपया करके जरूर जरूर देखिएगा, दोनों तरह के नींबू के अचार डालूंगी, मीठे और खट्टे मिर्च वाले दोनों, तो देखना, ठीक है, ओके, थैंक यू।